हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स। यह करंट अफेयर्स आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज 29 नवम्बर 2018 वार गुरुवार, मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ, वहाँ पर फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का डेली मज़ा लें। साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द देहरादून एयरपोर्ट आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदलने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है इंडियाज प्रीमियर नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी CSIR IMTech अनाउंस्ड ए न्यू पार्टनरशिप विद मर्क, ए लीडिंग जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, टू इस्टेब्लिश ए हाई एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन CSIR IMTech चंडीगढ़। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय शोध प्रयोगशाला CSIR माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान CSIR IMTech ने CSIR IMTech चंडीगढ़ में हाई एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए मैर्क, एक अग्रणी जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन्स पार्लियामेंट हैज इम्पोस्ट मटेरियल लॉ इन द कंट्री टू फाइट व्हाट इट्स प्रेसिडेंट कॉल्ड ग्रोविंग एग्रेशन फ्रॉम मॉस्को आफ्टर ए वीकेंड नावल कॉन्फ्लिक्ट प्रोनसन ऑफ द डिस्प्यूट क्रेमियन पेनिसुला इन विच रशिया फायर्ड ऑन एंड सीज्ड 3 यूक्रेन्स वेजल्स एमिड रिन्यूड टेंशन बिटवीन द नेबर्स। यूक्रेन की संसद ने विवादित क्रीमियन प्रायद्वीपीय से एक सप्ताह नौसेनाई टकराव के बाद मॉस्को से बढ़ते आक्रामकता से लड़ने के लिए देश में मार्शल लॉ लगाया, जिसमें रूस ने पड़ोसियों के बीच नए तनाव के बीच 3 यूक्रेनी जहाजों पर हमला किया और जब्त कर लिया। नेक्स्ट, नेपाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए सोशल सोसाइटी स्कीम फॉर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ऑफ द कंट्री। नेपाल सरकार ने देश के औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार। मार्केट्स रेगुलेटर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज फाइंड ब्रोकेज हाउस आनंद राठी 1,00,000 रुपीज फॉर वायोलेटिंग स्टॉक ब्रोकर नॉर्म्स बाय ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम द क्लाइंट्स अकाउंट टू ओवन अकाउंट एंड वाइस वर्सा ऑन सेवरल ओकेजन। बाजार नियामक सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी पर कई मौक़ों पर ग्राहक के खाते से अपने खाते में धनराशि स्थानांतरित करने और इसके विपरीत कारण से स्टॉक ब्रोकर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000 रुपये जुर्माने के भुगतान किया है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक हैज लॉन्च्ड ए सर्वे टू गेज टीयर स्कोप विद रेस्पेक्ट टू टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्कफोर्स विद एन एम टू क्रिएट ए प्रोफाइल ऑफ इंडियाज स्टार्टअप सेक्टर। रिजर्व बैंक ने भारत के स्टार्टअप सेक्टर की एक प्रोफाइल बनाने के उद्देश्य से कारोबार लाभप्रदता और कार्यबल के संबंध में अपने दायरे को मापने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट नियुक्ति। हॉस्पिटलिटी स्टार्टअप ओयो हैज अपॉइंटेड मैक्स हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित कपूर एज द CEO ऑफ इट्स न्यू रियल इस्टेट बिजनेस। हॉस्पिटलिटी स्टार्टअप ओयो ने मैक्स हेल्थ केयर के कार्यकारी निदेशक रोहित कपूर को अपने नए रियल इस्टेट बिजनेस के CEO के रूप में नियुक्त किया है।
नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर किताब एवं लेखक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद रिसीव्ड द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम श्री अर्जुन जेटली यूनियन मिनिस्टर और फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेटिव अफेयर्स। भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली से मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक की पहली प्राप्त हुई है। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस शिखर एवं सम्मेलन G20 समिट 2018 हेल्ड एट ब्यूनोस एराइज अर्जेंटीना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2018 में भाग लेंगे। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज रक्षा समाचार रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैज फॉर्मली लॉन्च्ड मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति इन न्यू दिल्ली। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार ओडिशा इज होस्टिंग द हॉकी वर्ल्ड कप 2018 द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मैंस हॉकी वर्ल्ड कप टुक प्लेस एट कालिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। ओडिशा हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा। पुरुषों के हॉकी विश्व कप का उद्घाटन समारोह कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट ऑब्ड्यूरीज निधन सिंगर मोहम्मद अजीज हैज पास्ट अवे एज 64 फॉलोइंग ए कैराडिक अरेस्ट इन मुंबई। मुंबई में पूर्ण हृदय रोध के बाद गायक मोहम्मद अजीज का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट स्टीफन लिंगबर्ग द क्रिएटर ऑफ स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ 57। स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स के निर्माता स्टीफन हिल्लेबर्ग का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट मिसलेनियस विविध द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 100% स्टेक सेल इन स्टेट ओन्ड एयरलाइंस एयर इंडियाज ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड AIATSL। सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइंस एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग एयर कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AIASTL में 100% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें। अनअकैडमी ऐप इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।